रास्ता देखिए। तुम्ही आगत सायकल आटून पल्ला सापन वाटर। और ये मेरा पति है बीच आ गई। पानी बहुत है। गुड मॉर्निंग गाइस, आज है गोकर्ण में डे टू। आज हम लोग जाएंगे याना केव्स और एक वाटरफॉल देखने का भी प्लानिंग है। तो अभी हम लोग अपने रूम से निकल रहे हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए। उसके बाद हम लोग जाएंगे स्कूटी में। हम लोगों ने यहाँ पे रेंट पे लिया है जिसका प्राइस आपको 500 पर स्कूटी ले रहे हैं। उसके अलावा हम लोग को एक्स्ट्रा फ्यूल भी भरवाना पड़ेगा, तो देखते हैं। और अभी हम लोग जिस गेस्ट हाउस में हैं, अभी आपको मैं दिखाती हूँ। ये रहा हम लोग का गेस्ट हाउस और ये यहाँ पे फोटो खींचने के लिए भी दिया हुआ है। यहाँ पे हम लोग चिल कर सकते हैं। मेन बस स्टैंड में जाके बैठ सकते हैं यहाँ पे। अभी देखते हम लोग अभी अपनी स्कूटी के पास जा रहे हैं। है मेरे पास वो पेपर, चलो ना देखते हैं। ओ यहीं पर है होंडा और तुम्हारा यमा है, मैं तो भरना पड़ेगा ना। तो अभी हम लोग यहाँ पे जाएंगे। नंबर देखा, नंबर देखा। हाँ तो तुम ये तो खरीदोगे। यहाँ से हम लोग को अभी ऊपर तक जाना पड़ेगा क्योंकि जो गोकर्ण का जो कुडलू बीच और ओम बीच है वो एक्चुअली एक पहाड़ के नीचे है। तो उस साइड पे आप लोगों को सी देखने को मिलेगा। तो अभी ये हिल एरिया है। हम लोग को मेन टाउन जाने के लिए ये पहाड़ क्रॉस करके हम लोग को जाना पड़ेगा। और गाइस, जिसने भी अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आप लोग जब मुझे सपोर्ट करते हो तभी मुझे ऐसे वीडियो बनाने के लिए मतलब थोड़ा इंस्पिरेशन मिलता है। तो इसीलिए आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। गोई ठका ये हम लोग चेक कर रहे हैं स्कूटी, क्योंकि हम लोगों ने ये रेंट पे लिया है। तो अगर कुछ पहले से टूटा हुआ या कुछ भी हो बाद में हम लोगों को ना बोले, इसलिए ये रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। बोला यहाँ पे गर्मी भी है, थोड़ा ह्यूमिड भी है। तो आप लोग मेक श्योर रहना कि आप लोग जो भी सामान कैरी करते हो इसमें पानी का बोतल ज़रूर होना चाहिए, नहीं तो आपको डिहाइड्रेशन का भी प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे हील एरिया है, आपको चढ़ना पड़ता है। पहले तो हम लोग जाएंगे विभूति फॉल्स, उसके बाद हम लोग जाएंगे याना। अगर टाइम होगा तो हम लोग याना केव तक भी जाएंगे। ओह ये देखिएगा इस इतना पहाड़। यहाँ से अभी आप लोग को समुंदर दिखाई देगा। ये देखिए बोला।
लोग गोकर्णा मेन टाउन में पहुंच गए हैं। हम लोग का जो गेस्ट हाउस है जो समुंदर के पास है, कुल्लू बीच के पास, तो लगभग मेन टाउन से आपको 5 मिनट की दूरी पे है। तो ये है बस स्टैंड। तो हम लोगों ने ब्रेकफास्ट नहीं किया है तो हम अभी छोटे से दुकान पे रुके हैं खाने के लिए। अभी देखते हैं क्या मिलता है खाने के लिए। हम लोग का जर्नी फिर से स्टार्ट हो गया है। यहाँ पे मैं आप लोगों को बता देती हूँ, जो कुल्लू बीच से याना केव का जो डिस्टेंस है वो आपको अराउंड 53 किलोमीटर आपको पड़ेगा। अभी हम लोग याना केव में जा रहे हैं और रास्ता देखिए इतना डेंजर और इतना सुनसान रास्ता है ना, क्या बताओ, बाप रे, ये रास्ता देखिए बहुत खराब है, बहुत रिस्की है ये जगह। তুমি আগত চাই থাকা, তুমি ফলে চাব নালাগে। तो फाइनली हम लोग याना का जो रोड है, मतलब बस अभी ये देखिए बस और 4 मिनट है तो ये रास्ता। मुझे आप लोगों को दिखाना है कि याना केव कैसा है, तो इसीलिए मैं आप लोगों के लिए जोखिम भरा कदम लेके आए हो। तो इसीलिए आप लोग प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कीजिए कि कैसा लगा आप लोग, और आप लोग ये कमेंट में ये भी मेंशन करना कि आप लोग कहाँ से मेरे वीडियो देख रहे हो, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। देखिए रास्ता, ओ माय गॉड, ऐसा नहीं लग रहा है जो बिपाशा बासु का जो रास मूवी था, गुजबम्प, अमर गुजबम्प ही गुस्से एकदम इमान धुनिया इन्हीं को ठंडा गौर ठंडा ठंडा बोता। एकदम खतरनाक रास्ता से होके अभी हम लोग केव के अंदर जा रहे हैं। अभी यहाँ से पैदल जाना पड़ेगा, बोल रहे कि 1/2 किलोमीटर होगा। अभी देखते हैं कितना चलना होता है। देखिए केव, वो रहा केव, हम लोग पहुँच गए फाइनली। वाओ, ग्रेट फॉलिया।
গছৰ নাম সগা হেতু ইফালে মাই যায় নেকি পাওঁ তো মই কি কৰিব দিয়া নাই হুমো ওই টুৱে হনি কি কৰে তো মুটো ও নহয় আগত আছে এটা পুইবলে লাগি আছে কথা কৈ দিয়া গাইস ইয়ে রাহা अभी हम लोग को थोड़ा घूम के जाना पड़ेगा। आई थिंक ये है फाइनल वाला। ओ माय गॉड। देखिए भय लगे देखुन। हाँ? देखिले भय लगे देखुन। किन को लगी सही? भय लगी। इवन डेंजर रास्ता गाड़ी चलाया हर पिसो। देखिले भय लगी देखुन। वाह। ये डेंजरस। এইটো মন্দিৰ ৰবাচন ফটো এখন তুলি আপৰা আকট কুঠিক বুলালে লাগিব আবাতে মন্দিৰ আছে ফল ফল গাইস ফাইনালি ই ৰহা ইয়ানা কেভ এইফালে যায় চেণ্ডেল খুলি ইফালে যাব লাগিব অঁ অঁ এইফালে হা ক'ত দিব লাগিব নালাগে নেকি ক'ত লিখা আছে यहाँ पे एक शिव मंदिर भी है तो यहाँ पे आप लोग दर्शन भी कर सकते हैं और या तो फिर आप सिर्फ केव देख के जा सकते हैं अरे नहीं दरवाजा बंद हो आसे अभी हम लोग केव के अंदर चल रहे हैं সেন্ডেল খুলিব লাগে বুলি নকলা তখন সেন্ডেল খুলিয়ে গৈছে সবে খুলিব লাগে বুলি নকলা নেকি ও গাইস আগৰ আপোনালোককো এই কেফ কে আন্ডাৰ জানা হগা তো আপনা জুতা চপ্পল খোলনা পড়েগা তো ই দেখে কেফ আও ভি আন্ডাৰ যাকে পতা চলেগা Thank you.
लोग यानावा केव से निकल रहे हैं। देखिए एक बार दिखा देती हूँ मैं आप लोगों को। अभी बारिश भी होने लग गया है तो अभी देखना पड़ेगा हम लोग वाटरफॉल तक जाते कि नहीं, क्योंकि वो 6 बजे तक बंद हो जाते हैं और हम लोग को याना केव आने में ही बहुत टाइम लग गया क्योंकि रास्ता बहुत ख़राब था। तो इसलिए देखते हैं अभी टाइम मिलता है कि नहीं। अभी तो 3 बज गया, 3:15 हो गया, अभी देखते हैं। वाटरफॉल, हम लोग विभूती फॉल जाने वाले थे लेकिन बहुत लेट हो गया, हम लोग नहीं जाएंगे। तो अभी यही फॉल देख लीजिए आप, याना का फॉल। हम लोग का केव देखना हो गया, अभी हम लोग जा रहे हैं। बारिश भी बहुत हुआ तो वाटरफॉल का कैंसिल। तो अभी हम लोग घर मतलब हम लोग अपना रूम जा रहे हैं। देखते हैं कब तक पहुँचते हैं, उसके बाद हम लोग ओम बीच जाएंगे। गाइस अभी हम लोग कहने का याना केव से हम लोग अभी जा रहे हैं। लाइट हाउस का बोट अभी हम जा रहे हैं। ओ ठंड है। फाइनली हम लोग याना केव से अभी एक होटल में पहुंचे हैं। यहाँ पे अभी हम लोग खाना खाएंगे क्योंकि हम लोगों ने आते वक्त सिर्फ एक ब्रेड और एक ऑमलेट खा के आए थे, ब्रेकफास्ट करके आए थे हम लोग, लंच किया नहीं। अभी टाइम हो गया है 5:03 तो अभी हम लोग लंच करेंगे, लंच प्लस ब्रंच। हम लोग का अभी खाना पीना हो गया है तो अभी हम लोग जा रहे हैं। तो आप लोग को मिलते हैं रूम में पहुँच के। गाइस हम लोग फिर से कुडलू बीच आ गए हैं क्योंकि हम लोग को होम बीच जाने का टाइम नहीं मिला, क्योंकि हम लोग कुडलू बीच के पास में ही है। तो इसीलिए सोच रहे हैं कि अभी रात को समुंदर का नज़ारा आप लोगों को दिखा दूँ। ये रहा गाइस, और ये मेरा पति है, बीच आ गई। सब साया से हट ये है।